प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है जिसमें आज सामने आए 25 नए कोरोना पॉजिटिव केस भी शामिल हैं इनमें से टोंक में 11 जोधपुर में 10 झुंझुनू में दो अजमेर और बीकानेर में एक एक कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव जयपुर में सामने आए हैं यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या चार है वहीं जोधपुर में 115, कोटा में चौरासी टोंक में इकहत्तर बांसवाड़ा में उनसठ बीकानेर और झुंझुनू में 35, 35, जैसलमेर में 30, भीलवाड़ा में 28 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इसी के साथ ईरान से लौटे यात्रियों में अब तक कुल चौवन और इटली के दो पर्यटक भी जयपुर से पॉजिटिव मिले हैं इसके अलावा प्रदेश में अब तक 14 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है जबकि अब तक एक कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है जिसमें से बयासी मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है आज 25 नए मामले प्रदेश में सामने आए सबसे ज्यादा मामले जयपुर से सामने आए हैं चार आंकड़ा है जयपुर का लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तमाम प्रयास राज्य सरकार कर रही है कोरोना का कहर लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है पच्चीस नए मामले आज प्रदेश में सामने आए हैं 1100 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता जोधपुर से सतेंद्र सिंह राजपुरोहित लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतेंद्र क्या माहौल जोधपुर में है देखिए लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं हर जगह देखा जाए तो क्या वहां पर फिलहाल इंतजाम किए गए हैं क्योंकि लॉकडाउन का दूसरा दौर यह है जी बिल्कुल यदि जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में लगातार कोरोना के मरीजों को आने का सिलसिला जारी आज सुबह ग्यारह कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं सबसे बड़ी बात उसमें जो जोधपुर का एक एन कोरोना से पॉजिटिव आई है इस प्रकार देखिए तो पूरे जोधपुर के अंदर एक मरीज कोरोना के आ चुके हैं वहीं यदि इंतजाम की बात करें तो सेंट्रल आईवी जो सरकार की है वो पूर्णतया जोधपुर के ऊपर निगरानी रखी गई है क्योंकि जोधपुर है जब हॉटस्पॉट बन चुका है जोधपुर में लगातार कोरोना के जो केस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है जिसको लेकर सरकार पूरी तरह जोधपुर पर ध्यान रख रही है वहीं यदि केंद्र सरकार की बात करें तो वो

जी बिल्कुल पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है इसी बीच यदि बात करें जोधपुर जो वेस्ट कमिश्नरेट का एरिया है वहाँ के डीसीपी प्रीति चंद्र द्वारा बहुत अच्छी पहल करते हुए जो बुजुर्ग घरों के अंदर अकेले रहते हैं उनके लिए स्पेशली जो डॉक्टर्स है उनकी अलग से टीम बनाई गई है उनके निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए जिसके तहत जो बुजुर्ग है वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते चाहे दवाई लेनी हो चाहे ट्रीटमेंट करो लेकिन वो अब इन नंबरों पर फोन कर आसानी से अपने फिजिकल चेकअप करवा पा रहे हैं और इस सुविधा का स्पष्ट तौर पर लाभ लेने जा रहे हैं वहीं यदि बात करें प्रशासन की तो प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैदी से जुटा हुआ है जगह जगह चेक गए और, और जोधपुर में कल एक वीडियो भी वायरल हुआ था होमगार्ड का जिससे जोधपुर के अंदर सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगड़ने का प्रयास भी किया गया था लेकिन पुलिस प्रशासन की द्वारा तुरंत उसको हिरासत में ले, ले लिया गया गिरफ्तार तो किया गया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा की जा रही है जी बिल्कुल सत्येंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया लगातार अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं हर जगह की पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है स्वास्थ्यकर्मी लगातार अलर्ट हैं अपने काम को लेकर जिस प्रकार से कहर बढ़ता जा रहा है तमाम सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाई जा रही हैं क्योंकि लोगों का घर से बाहर निकलना पूरी तौर पर मना है सख्त तौर पर मना है तो ऐसे में जरूरतमंद जो लोग हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाना खाद्य सामग्री पहुंचाना उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखना उनकी सहूलियत का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में लगातार प्रशासन मौजूद है वहां पर लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या से अवगत प्रशासन को करवा सके और आपकी समस्या का तुरंत समाधान हो सके लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है सभी का सतर्क रहना सहूलियत से रहना और साथ ही एक और चीज राज्य सरकार ने बहुत पहले ही इस चीज की घोषणा कर दी थी कि अगर आप जरूरतमंदों तक गरीब लोगों तक राहत सामग्री खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं तो कोई सेल्फी ना ली जाए कोई फोटो उस वक्त क्लिक नहीं की जाए क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के स्वाभिमान और सम्मान का पूरा ख्याल हमें रखना है उनको बिल्कुल ये महसूस नहीं होने देना है कि उनको जरूरत है क्योंकि इस समय इस महामारी के समय हम सभी एक हैं एक दूसरे की मदद आगे आकर करें और अधिक अपडेट के लिए भीलवाड़ा से योगेश शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं योगेश देखिए बताएं क्या माहौल फिलहाल भीलवाड़ा में है क्योंकि भीलवाड़ा एक ऐसी जगह है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है तो लॉकडाउन के दूसरे दौर में फिलहाल वहां पर क्या इंतजाम भीलवाड़ा में एक राहत की ये बात है की पिछले छह दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है सामने जी भीलवाड़ा में अब तक जो अट्ठाईस पॉजिटिव थे उनमें जो इसको डिस्चार्ज कर किया जा चुका है दो तो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं जिसमें एक की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है और एक केवल आइसोलेशन वार्ड में केवल कोरोना पॉजिटिव भर्ती है है जी उनकी हालत फिलहाल कैसी है? क्या चांसेस हैं जल्दी ठीक हो पाएंगे जल्दी रिकवर वो कर पाएंगे उनकी हालत बिल्कुल सही है उनकी जो पहली रिपोर्ट आई थी सभी कोरोना पॉजिटिव की सबकी नेगेटिव आ चुकी है उनकी दूसरी रिपोर्ट का इंतजार है दूसरी रिपोर्ट जैसे ही अगर उनकी नेगेटिव आती है तो उनके स्टेप डाउन आइसोलेशन में भर्ती किया जाएगा और भीलवाड़ा में भी महाकर्फ्यू लगातार खड़ी है प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है बहुत सख्त है इसमें मा महाकर्फ्यू के दौरान सभी बाजारों में कोलाने में सन्नाटा पसरा हुआ है और जहां हम अपने खाद्य सामग्री की या आवश्यक चीजों की, की बात करें तो हर व्यक्ति घर में हर कोला में होम डिलीवरी के रूप में घर पहुँचाई जा रही है बिल्कुल योगेश तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आपको बता दें सिर्फ एक मरीज भीलवाड़ा में भर्ती है इस वक्त उनकी हालत भी ठीक है अगर कुछ ऊपर नीचे अगर उनकी हालत में होता है तो उनको सब आइसोलेशन में भर्ती करवाया जाएगा इलाज उनका लगातार जारी है भीलवाड़ा बिल्कुल कोरोना मुक्त होने की कगार पर है लेकिन अगर बात करें जयपुर की तो यहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं कुल चार मामले जयपुर से सामने आए हैं लगातार कोरोना का ग्राफ जयपुर में बढ़ता जा रहा है ग्यारह के पार राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है लगातार कोरोना अपना कहर यहां पर बरपा रहा है तमाम कोशिशें की जा रही है। पुलिस है। हैं पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है स्वास्थ्यकर्मी लगातार अलर्ट हैं लगातार मुस्तैद हैं अपने काम को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के ये बहुत जरूरी हो जाता है उन लोगों का सम्मान करना साथ ही जरूरतमंद लोगों तक भी लगातार सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं ताकि किसी प्रकार की समस्या उनका ना हो क्योंकि लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है तो ऐसे में और भी सख्ती से प्रशासन पेश आ रहा है उन लोगों के साथ जो लापरवाही बरत रहे हैं क्योंकि ये समय वो है जब हम सब सजग होकर जागरूक होकर साथ दें और साथ ही जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान करें जयपुर से अब खबर मुख्यमंत्री